पेंडेमिक COVID-19 आउटब्रेक स्टैंड स्टिल मैन्युफैक्चरिंग असेंशियल कमोडिटी सप्लाईज इज कंटिन्यूस सो द मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड सो आई वार्मली वेलकम यू ऑल इन न्यू फेज ऑफ लर्निंग मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन विद द चेन इफेक्ट्स ऑफ द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स एज इन फर्स्ट फेज वी हैव डिस्कस्ड डिमांड कर्व शिफ्ट्स Shifts of supply curve include increase or decrease of the supply curve shifts. Dear scholars, warmly welcome you all in new phase of learning this class, and we are discussing market equilibrium under perfect competition and market equilibrium under perfect competition, and we are learning price. डिटर्मिनेशन मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स्ड होता है कैसे फ्लक्चुएट होता है हाउ इट्स गेट इफेक्टेड विद द मार्केट फोर्सेस सो वी आर लर्निंग दिस इन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन टुडे वी विल गोइंग टू परस्यू वन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मार्केट ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई कर्व कि मार्केट में सप्लाई कर्व यदि शिफ्ट कर जाए तो वॉट इज द प्रोमिनेंट impact so today we will learn this let's come on this phase what we will discuss the first thing we will discuss is chain effects and chain effects means to say market forces mark influence of various factors and which results in shift and these various factors results in shift is said to be other Then own price. जब प्राइस तो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे उसके अलावा आपका अदर फैक्टर्स फ्लक्चुएट करेगा लाइक आपकी टेक्निक कॉस्ट ऑफ इनपुट गवर्नमेंट पॉलिसीज देन शिफ्ट विल अकर एंड दिस शिफ्ट मार्क यू विद द वर्ड इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई दिस ब्रिंग्स द प्रेजेंटेशन टू यू ऑफ बोथ द शिफ्ट्स So today we will going to discuss each of them in the regard of the supply curve. This is second phase of chain effect as we have already completed the demand effect of the curve shift. Let's look on the term said increase in supply. That means we will move forward in supply. Increase in supply means the supply results in forward shift. So this is original supply curve as we all know this one and then we have S1 this is shift of supply curve dotted line always reflect the impact of the influence of the factor dotted line aapki impact or influence ko dikhati hai and straight line aapka dikhayegi supply curve simple supply curve and shift will be shown with the dotted line now look demand curve is constant ki demand to change nahi ho rahi that but supply is changing in the increase so the supply curve increases and supply curve increases and when supply curve increases it shift forward as it is in front of you now mark the market equilibrium in original condition this is original market equilibrium right and in front of it we have price original price original price And this is original quantity. As you see, E के नीचे एक लाइन जा रही है दैट इज ओरिजिनल दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी नाउ द सप्लाई इंक्रीज्ड दैट मूव्स टू फॉरवर्ड अब सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है अब जहां पर यह डिमांड से इंटरसेक्ट करेगी देयर विल बी न्यू इक्विलिब्रियम There will be new equilibrium when it will intersect with demand. So E2 is new
इक्विलिब्रियम, अब ये नया इक्विलिब्रियम बन गया बिकॉज डिमांड इंटरसेक्ट विद सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई की पुराने इंटरसेक्शन पॉइंट से नए इंटरसेक्शन पॉइंट तक इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से डिमांड कर्व्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज हो गया है। कहने का मतलब है कि S1 पर जहां डिमांड कर्व अब शिफ्ट करने के बाद सप्लाई के इंटरसेक्ट करेगा वहां एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। इस इक्विलिब्रियम के फ्रंट में जो प्राइस होगा दैट विल बी न्यू प्राइस एंड जो नीचे क्वांटिटी होगी दैट विल बी न्यू क्वांटिटी। लुक Q2, नाउ चेक करिए कि एक ऐसी सर्कमस्टांस बन रही है दैट सप्लाई इंक्रीज रिजल्ट इन फॉल इन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, एक्सेस सप्लाई होने की वजह से प्राइस फॉल कर गए ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई, प्राइस फॉल्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। दिस इज रिटन ओवर हियर एज द सेम वन इन्फ्लुएंस, इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूसेस। एंड क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, वाई दे आर रिड्यूसिंग, तो वाई दे आर रिड्यूसिंग, दे आर रिड्यूसिंग ड्यू टू एक्सेस सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, क्योंकि अब एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस तो रिड्यूस हो गए बट सप्लाइड क्वांटिटी इन्हेंसेस and E2 will emerge as new equilibrium because it is new intersecting point of supply and demand. This is phase 1 explained to you. Now I am taking you to straight away to the second phase which says decrease. And decrease hereby we are discussing the curve of the decrease. It is same but it has one variation and that variation mark you with the leftward shift. Because we are talking about decrease in demand reflects leftward shift. अब आपकी सप्लाई लेफ्ट की साइड जा रही है, पीछे हो रही है, बैकवर्ड मूविंग है, देन दैट विल ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मार्केट इन्फ्लुएंस। अब ये भी चीजें मार्केट को इफेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स चेक हाउ इट हैपेंड। डिमांड intersect with original supply curve and forms original market equilibrium. Now it has influence, now it will change because the intersecting point of demand curve constant and supply curve, new one, decrease one, will going to intersect at one point and that will mark you with E2. And this is new equilibrium. This is new market equilibrium. Market mein ek naya equilibrium set ho gaya. That new equilibrium will deliver you with the point ahead on the price and hereby I am taking it rupee symbol because we are talking about the Indian currency. E2 ke samne wala price aapka kya hoga, new price. E2 ke samne wali quantity kya hogi, new quantity. That reflects ki price, dekh check karte hai, dekho. E1 ke samne price tha P1, that rise to P2. Now E1 के सामने क्वांटिटी थी Q1, that accounts to E2 से Q2 तक आ गई, that means we are shifting in less quantity and prices are rising. So this will have the influence which is written down, that price rise or the increase in equilibrium price, and next thing we have written is equilibrium quantity decrease. And E2 is new equilibrium. Let's check. This is same thing. Quantity Q1 to Q2, hum backward ho gaye beta. And then P1 to P2, that shows rise. So this marks the decrease in supply.
and increase in supply effect. Two market forces, supply and demand, intersect each other, and their intersecting point marks the equilibrium. And here is the whole board presentation. So we concluded for this class. See you again soon. Hereby, in whole conclusion, the digital medium met the physical classes. So hereby, we are concluding it for today by saying thank you for visiting, with a promise to see you again soon.